टुडे आई एम गोइंग टू अनबॉक्सिंग रेडमी 9A। जो हम आज अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं वो रेडमी मी कंपनी का है और शाओमी मी कंपनी का रेडमी का है और ये मॉडल है रेडमी 9A जिसको हम अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल पाटन मोबाइल स्टोर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरी रिव्यू अनबॉक्सिंग की वीडियो आती रहे। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें इसे अनबॉक्सिंग में क्या क्या देखने को मिलता है। लेट्स गो। हेलो गाइस, तो ये आपके सामने शाओमी कंपनी का रेडमी 9A मॉडल पड़ा है। तो इसमें ये जो मॉडल है ये 32 में दिया हुआ है, जो ग्रेनाइट ग्रे कलर में ये दिया हुआ है। उसके बाद ये 32 में दिया हुआ है तो, और इसके बाद ये इसमें जो चिपसीट इस्तेमाल किया गया है वो P25 के उन्होंने इसमें चिपसीट इस्तेमाल किया गया है, जो कि दूसरे सेट्स में भी इस्तेमाल होता है, जो इन्होंने एंड्रॉयड करके P30 से P25 तक कर दिया है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और अपने सेट को देखते हैं कि उसकी क्या लुक है। जैसा कि ये शाओमी कंपनी का मॉडल है, सेट है, तो इसमें हमें पता है कि ये डबल पैकिंग में दिया होता है। तो हम इसकी पैकिंग को अनबॉक्स करते हैं, अनपैक करते हैं और इसकी देखते हैं। ये देखें, उसमें इन्होंने इसके ऊपर एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है, जो ये देखें एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है। और ये इसकी फर्स्ट अनपैकिंग है और उसके बाद इसकी उन्होंने दूसरी अनपैकिंग के दो बार ये पैक हुआ होता है। तो ये डुअल अनपैकिंग हमने ओपन कर लिया है, तो अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह का सेट है। जी व्यूअर्स, ये हमारा बॉक्स अनबॉक्स हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने इसके ऊपर कुछ इसके फीचर्स दिए हुए हैं, जिसमें 6.53H+ डॉट ड्रॉप डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसके साथ 3D अनबॉडी डिज़ाइन भी उन्होंने अवेलेबल किया हुआ है साथ में, और 5000 mAh की लॉन्ग टाइम बैटरी दी हुई है विद हाई कैपेसिटी, हाई चार्जिंग साइकिल काउंट है और लॉन्ग लाइफ स्पेन है ये। उसके बाद मीडियाटेक हीलियो G25 का, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया था, वो दिया हुआ है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर अप टू 2.0 GHz दिया हुआ है, और जो इसका फ्रंट कैमरा दिया, रियर कैमरा है वो 13 MP का है, और सेल्फी कैमरा इन्होंने 5 MP का दिया हुआ है। तो हम अपने सेट को अभी साइड पे रखते हैं और आप इसके अंदर वाली एक्सेसरीज़ दिखाते हैं कि उन्होंने बॉक्स में मज़ीद कौन कौन सी एक्सेसरीज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। जी, इस बॉक्स में उन्होंने दिए हुए हैं इसका यूज़ करने का तरीका दिया हुआ है, और उसके बाद एक वारंटी कार्ड भी उन्होंने साथ दिया हुआ है, और साथ में ये जो इसमें यूज़र गाइड दिया हुआ है कि यूज़र कैसे इसे इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद एक पिन दी हुई है जिसे आप सिम स्लॉट्स ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखें तो उन्होंने एक चार्जिंग दिया हुआ है। ये देखें जी, 5 W का ये चार्ज दिया हुआ है उन्होंने, मॉडल MDY09 इसका मॉडल दिया हुआ है। और जैसा कि आपको भी पता है कि शाओमी वाले मोबाइल में हैंड फ्री नहीं होती, और उसके बाद उन्होंने ये डाटा केबल और चार्जिंग केबल भी साथ में दी हुई है। तो अब फाइनली हम अपने सेट की तरफ जाते हैं और आपको सेट के बारे में कुछ बताते हैं। तो ये हमारा सेट है जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये हम इसे पावर ऑन कर देते हैं क्योंकि ये साथ साथ होता जाएगा। तो जब तक मैं आपको इसके बारे में इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये देखें, ये मोबाइल ऑसम लुक है इसकी। ये देखें, बैक में इसे ग्रेनाइट ग्रे कलर में इसे दिया हुआ है, और उसके बाद ये जो इसका बैक कैमरा दिया हुआ है 13 MP का दिया हुआ है, और जो फ्रंट कैमरा है इसका वो 5 MP का इसका कैमरा दिया हुआ है। साथ में उन्होंने इसमें स्पीकर भी दिया हुआ है, उसके साथ जैक चार्जिंग के लिए भी दिया हुआ है और माइक के लिए भी दिया हुआ है स्लॉट। उसके बाद ये हैंड फ्री के लिए भी उन्होंने एक स्लॉट दी हुई है, और ये देखें, ये सिंगल कैमरा है ये 13 MP का, लेकिन लुक ये डबल वाली दे रहा है। और ये उन्होंने यहाँ एक पट्टी सी लगाई है जिसमें रेडमी का उन्होंने लोगो लगाया हुआ है। तो उसके बाद ये हमारा सेटअप की तरफ जाते हैं।
ये देखिए उन्होंने लैंग्वेज, जैसे कि दूसरे मॉडल्स में हमने देखा है तो उसमें उन्होंने ग्लोबली लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की होती है, लेकिन इन्होंने शाओमी वालों ने इस रेडमी 9A में उन्होंने उर्दू को प्रेफर किया हुआ है और उर्दू को उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम सेलेक्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज और नेक्स्ट जाते हैं। सो गाइस सेटअप इज़ रेडी एंड वी आर रेडी टू रॉक। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया और ये इसके कुछ ऐप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और आपको अबाउट फ़ोन में इसकी सब चीज़ें बताते हैं कि उन्होंने इसके अबाउट फ़ोन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये देखें डिवाइस का नेम दिया, रेडमी 9A स्टोरेज 11.7 GB और 30 GB ये दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने इसका वर्जन दिया हुआ है, एंड्रॉयड 10QP1A दिया हुआ है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच दिया हुआ है, बैकअप एंड रिस्टोर, लीगल इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ उन्होंने इसके MIUI का वर्जन है उन्होंने दिया हुआ है। उसके साथ उन्होंने इसके बाद कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने साथ में दी हुई है, जिसमें उन्होंने माई में वीडियो वाली उन्होंने अपनी माई वीडियो दी हुई है। उसके बाद अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो आपको पहले बताया इसका रेयर कैमरा 13 MP का है और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 MP का है। तो अब हम कैमरे की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैमरे की क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहले हम बैक कैमरा चेक करते हैं और आपको इसका रिज़ल्ट बताते हैं। तो हम इसका एक पिक लेते हैं और इसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट बताते हैं कि ये देखें, ये जैसे कि हमने ले लिया है। अगर हम इसे ज़ूम इन करें, ये देखें अगर हम इसे ज़ूम इन करें तो ये क्लियर आता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़ूम इन कर लें तो ये ब्लर हो जाता है। इतनी ख़ास क्वालिटी इसमें नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी प्राइस के हिसाब से ये ज़बरदस्त क्वालिटी है। और जिसमें उन्होंने इसमें प्रो का ऑप्शन भी दिया हुआ है अगर कैमरे में हम देखें, उसके बाद वीडियो का ऑप्शन भी होता है हर मोबाइल में, उसके बाद पोर्ट्रेट भी है। अगर हम मोर में जाएँ तो उन्होंने टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियोज़, नाइट मोड्स, एडिट, ये हम सारा कुछ टाइम लैप्स के हिसाब से भी अपनी वीडियो को बना सकते हैं। और अगर हम इसके अब फ्रंट कैमरे की तरफ जाएं तो इसका फ्रंट कैमरा आपको इसका भी रिव्यू दिखाते हैं कि इसका फ्रंट कैमरे का क्या रिज़ल्ट है। तो अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये देखें, हम जूम करें तो ये भी नहीं इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी देता, क्योंकि ये तस्वीर फटने लग जाती है, लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक सही है। तो अगर आप हमें कहेंगे तो हम इसका फुल कैमरा रिव्यू भी आपको बता देंगे। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे जो हमने आपको बता दिए हैं। अगर हम इस मोबाइल के डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.53 HD का इन्होंने इसका डिस्प्ले दिया हुआ है, ये देखिए 6.53 का डिस्प्ले दिया हुआ है। और जो इसमें इन्होंने बैटरी इस्तेमाल की हुई है, बहुत ज़्यादा हाई टाइम लाइफ साइकिल है, जिसमें उन्होंने 5000 mAh की उन्होंने बैटरी इसमें इस्तेमाल की हुई है। और जो एंड्रॉयड इस्तेमाल किया हुआ वो हीलियो G25 का उन्होंने एंड्रॉयड इस्तेमाल किया हुआ है। और ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको बता दी है। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी ये कि आपको हमने 9A डिवाइस का अनबॉक्सिंग किया। हमें तो ये एक्चुअली डिवाइस बहुत अच्छी लगी है, मुझे तो पर्सनली ये डिवाइस की लुक है जो मुझे इसकी शेड है जो आप देख रहे हो, और इसका जो डिस्प्ले है ये देखें, मुझे एक्चुअली बहुत प्यारी लग गया डिस्प्ले इसका हर लिहाज से। ये स्पेशली उन्होंने पाकिस्तान लोकल के लिए बनाई गई है डिवाइस, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आ रही है। अगर आप इस बजट में देखना चाह रहे हैं, आपके पास बजट है 14,000 के करीब और आप एक अच्छा पैकेज लेना चाह रहे हैं जिसका कैमरा भी अच्छा हो, लुक भी अच्छी हो, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो मेरे ख्याल के मुकाबले दिस इज द बेस्ट चॉइस अगर आप अभी ये बाय करना चाह रहे हैं। आई होप हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल बागटा मोबाइल स्टोर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह ही मोबाइल एक्सेसरी की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की वीडियो पर वक्त पर पहुंचती रहे। ठीक है गाइस, हम अगली अपने होस्ट साजिद महमूद को दें इजाज़त, अगली वीडियो में बहुत ही जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इसका कैमरा रिव्यू देखना चाह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हमें कैमरा रिव्यू देखना है, तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है जहाँ पे क्लिक करके इसके कैमरे का मुकम्मल रिव्यू देख सकते हैं। मुझे जो इजाज़त, अगली वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।